आप लोगों की प्रार्थनाएं चाहिए हमें। मैं नॉर्मली बहुत स्ट्रेस होता हूँ रिलीज के पहले, किरण जानती है मैं, और इस दफा भी एक महीने से मुझे नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम। और इस दफा भी एक महीने से मुझे नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं सुबह गया था और दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, और वहाँ जाने के बाद मुझे इतना सुकून महसूस हुआ है कि अब मुझे लगता है कि जैसा होगा ठीक ही होगा। अगर लोगों को जिस चीज को फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इफ यू आर एन एक्टर, और एक्टर की कोई जात नहीं होती, एक्टर का कोई धर्म ईमान नहीं होता। और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है, तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए। आमिर साहब और मेरी पहले भी एक फिल्म आई थी वेलकम और तारे जमीन पर, तो वो दोनों चली थी, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ ये दोनों चलेंगे। लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिस चीज को फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा, क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ फिल्म में, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है, तो आई होप पीपल लाइक इट। घोड़े बेच के सो जाएंगे और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं है। We'll wake up and discover. Have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make. क्योंकि एकता नहीं है हिंदू। अब आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कुछ, अभी कोई रिएक्ट कर रहा है तो हमको दिख रहा है, क्योंकि ये पहली बार रिएक्शन आ रहे हैं इस संप्रदाय की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से। हम इसकी फिल्म को रिलीज दो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे देश में रहना अच्छा नहीं है, जो उन्होंने इनटॉलरेंस की बात की थी। आइए आइए, हम तो अतिथि रहे, वो सब अनुभव है, ऐसा नहीं साहब, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर इसीलिए मैंने हिंदू एकता दिवस का शुभारंभ किया है, हर मंगलवार को 7 बजे आप किसी मंदिर में बैठिए और जैसे वो नमाज पढ़ते हैं, वो मास्क करते हैं, वैसे आप एक दिन 1 घंटे के लिए बैठिए, क्योंकि एकता नहीं है हिंदुओं में। अब आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कुछ, अभी कोई रिएक्ट कर रहा है तो हमको दिख रहा है, क्योंकि ये पहली बार रिएक्शन आ रहे हैं इस संप्रदाय की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से। हम इसकी फिल्म को रिलीज दो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे देश में रहना अच्छा नहीं है, जो उन्होंने इनटॉलरेंस की बात की थी। यू नो, यू गॉट टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इफ यू आर एन एक्टर, और एक्टर की कोई जात नहीं होती, एक्टर का कोई धर्म ईमान नहीं होता। लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के, तो उससे मुझे तकलीफ होती है, और वो हमारा इंटेंशन कदे नहीं था। मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूं, या इवन अभिजात के लिए, कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे, और हमको लगता है कि वो बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था।